अभी समझ लो दो नंबर गियर पे स्पीड मेरा है 18-20 के आसपास, थोड़ा सा एक्सेलरेशन देना है, जब भी स्पीड 21-22 के आसपास चला जाएगा तब मेरे को क्लच को फुल प्रेस कर देना है, ठीक है, गियर को तीन नंबर गियर, छोड़ते छोड़ते मेरे को एक्सेलरेशन देना है, मेरे को इसको इंक्रीज करना है। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे एक्सेलरेटर देना है, यानी कि रेस देना है। देखो रेस दे दिया मैंने, 30 के ऊपर चला गया, क्लच को फुल प्रेस कर दिया, चार नंबर गियर, अभी छोड़ते 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 50% मैंने छोड़ दिया, उसके साथ एक्सेलरेशन दे दिया। अभी मेरा गाड़ी चल रहा है पाँच नंबर गियर पे, ठीक है, इसको मेरे को दे देना है चार नंबर गियर। तो क्या करना है, एक्सेलरेटर से पहले पा को हटा देना है, हटा दिया, हल्का सा ब्रेक किया, ठीक है, ब्रेक किया, क्लच को फुल प्रेस, चार नंबर गियर। अभी छोड़ना नहीं है क्लच को, तभी छोड़ना है जब भी मैंने पाँच से चार नंबर आ गया, ठीक है, स्पीड भी घट गया, उसके बाद ही क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है। नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है एक नया वीडियो में। तो आज हम लोग जानेंगे गाड़ी का एक्सेलरेटर, ब्रेक और क्लच, इन तीनों चीजों को कैसे आप लोग बहुत ही अच्छे से हैंडल करेंगे ताकि आपका जो गाड़ी है एकदम मक्खन की तरह चले, एकदम स्मूथली मक्खन की तरह। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखो यहाँ पे मैं एक चला रहा हूँ एक मैनुअल कार, और मैनुअल कार उतना स्मूथ मक्खन की तरह चलेगा जितना मक्खन की तरह आप लोग क्लच को छोड़ेंगे, गियर को देंगे सही स्पीड के साथ, सही गियर, एक रेव मैचिंग करना पड़ता है, ठीक है। तो चलो वीडियो को आगे लेके जाते हैं, बिल्कुल स्किप मत करो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर गाड़ी को जब भी हम लोग स्पीड को इंक्रीज करेंगे नहीं तो घटाएंगे, उस दौरान क्लच को कैसे छोड़ेंगे, ओवरटेकिंग, सब कुछ बारीकी से। तो दोस्तों देखो अभी हम लोग इस वीडियो को ना दो हिस्से में बंटवारा करेंगे, एक हो गया आपका गियर जब भी अप होगा, ठीक है, गियर अप करने के टाइम पे स्पीड इंक्रीज करने के टाइम पे कैसे हम लोग क्लच को छोड़ेंगे, और जब भी हम लोग स्पीड को डिक्रीज करेंगे यानी कि घटाएंगे तभी हम लोग कैसे क्लच को छोड़ेंगे, सब कुछ डिटेल में स्टेप बाय स्टेप। तो देखो अभी मेरा गाड़ी चल रहा है, समझ लो मैं इसको दो नंबर गियर देता हूँ, ठीक है, अभी मेरे को इसको दो नंबर गियर से इसको तीन नंबर गियर करना है। तो उससे पहले मेरे को क्या करना चाहिए, आप लोगों को याद रखना है, 10 का स्पीड एक नंबर गियर, 20 का स्पीड दो नंबर गियर, 30 का स्पीड तीन नंबर गियर, 40 का स्पीड चार नंबर गियर, 50 अबव स्पीड फिफ्थ गियर। तो ये दोस्तों एक बेसिक है, यानी कि एकदम ए बी सी डी है, मगर हम लोग इसको फॉलो करते हैं मगर उतना भी फॉलो नहीं करते हैं, ऐसा नहीं चार नंबर गियर पे 40 का स्पीड ही रखना है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो उसको ही हम लोग आज जानेंगे। तो देखो यहाँ पे दो हिस्सा होता है, जब भी गाड़ी चलता है कुछ किसी गियर में, हम लोग अगर उस गियर को अप करना चाहते हैं यानी कि दो से तीन, तीन से चार, चार से पाँच, ऐसे करते हैं, तब कैसे आप लोगों को एक्सेलरेटर देना है, कैसे आप लोगों को गियर को चेंज करना है, ठीक है, कौन सा स्पीड रखना है, तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे तो सिग्नल डाउन है, मैं यहाँ पे रुक जाता हूँ, इसके बाद डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला टॉपिक होगा जब भी गाड़ी का स्पीड को हम लोग इंक्रीज करेंगे, ठीक है, यानी कि इंक्रीज करने के टाइम पे कैसे आप लोग क्लच को छोड़ेंगे, उसके बाद ये हो जाने के बाद हम लोग जानेंगे कैसे हम लोग स्पीड को घटाएंगे तभी हम लोग कैसे छोड़ेंगे। तो देखो यहाँ पे समझ लो मैं इधर पे बाई तरफ जा रहा हूँ, ठीक है, देखो यहाँ पे जब भी मेरा स्पीड अभी है दो नंबर गियर पे, मेरा स्पीड है लगभग 15-18 के आसपास, तो यहाँ पे मेरे को स्पीड को इंक्रीज करना है, ठीक है, उसके साथ गियर को भी अप करना है। तो कैसे करना है, तो सबसे पहले इसको जान लेते हैं। देखो यहाँ पे मेरा गाड़ी चल रहा है दो नंबर गियर पे, सबसे पहले मेरे को थोड़ा सा एक्सेलरेशन देना है, अभी समझ लो दो नंबर गियर पे स्पीड मेरा है 18-20 के आसपास, थोड़ा सा एक्सेलरेशन देना है, जब भी स्पीड 21-22 के आसपास चला जाएगा तब मेरे को क्लच को फुल प्रेस कर देना है, ठीक है, गियर को तीन नंबर गियर, छोड़ते छोड़ते मेरे को एक्सेलरेशन देना है, छोड़ते छोड़ते, जब भी आधा पैर जो आपका लेग्स क्लच से ऊपर आ जाएगा उसी दौरान आप लोगों को एक्सेलरेटर के ऊपर हल्का प्रेस रखना है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा, ज़्यादा जस्ट टच करना है, दबाना नहीं है, ठीक है। देखो यहाँ पे मेरा गाड़ी चल रहा है तीन नंबर गियर पे, ठीक है, तो इसको मेरे को देना है चार नंबर गियर, कब देना है, देखो कैसे मैं इसको इंक्रीज करता हूँ। अभी अगर मैं गियर को घटाऊंगा इसको मैं आप लोगों को समझा, मतलब इसको मैं बोलूंगा नहीं, बाद में बताता हूँ, ठीक है, पहले इंक्रीज को लेकर डिस्कशन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे अभी मेरा गाड़ी चल रहा है तीन नंबर गियर पे, मेरा स्पीड भी है 25-30 के आसपास, ठीक है, अभी मेरे को इसको इंक्रीज करना है। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे एक्सेलरेटर देना है, यानी कि रेस देना है। देखो रेस दे दिया मैंने, 30 के ऊपर चला गया, क्लच को फुल प्रेस कर दिया, चार नंबर गियर, अभी छोड़ते 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 50% मैंने छोड़ दिया, उसके साथ एक्सेलरेशन दे दिया, यानी कि एक पैर आपका ऐसा उठेगा एक पैर दबेगा, आधा उठ गया ये दब रहा है, और ये एक्सेलरेटर दबाना नहीं है, मैं गलत बोला, उसको टच करना है, ठीक है, दबाना नहीं है, पहले आप लोग उसको टच कीजिए, बिल्कुल प्रेस मत कीजिए, ठीक है। तो ये गया हमारा स्पीड इंक्रीज के टाइम पे, यानी कि गियर को अप करने के टाइम पे। अभी देखो मेरा गाड़ी चल रहा है चार नंबर गियर पे, इसको मेरे को दे देना है पांच नंबर गियर, ठीक है। तो क्या करना है, अभी मेरा गाड़ी है 40 के स्पीड पे, पांच नंबर गियर कितना होता है 50, मगर रास्ता सामने खाली है, तो इसीलिए मेरे को दे देना है हल्का सा एक्सेलरेशन, रेस। तो मैं रेस दे रहा हूँ, डाल रहा हूँ रेस, क्लच को फुल प्रेस, पांच नंबर गियर, पांच नंबर गियर कर दिया, ठीक है, हल्का सा एक्सेलरेशन दे दिया। मैं यहाँ पे ब्रेक के ऊपर पैर देने जा रहा था क्योंकि उधर पे एक गाड़ी आ रहा था, इसीलिए
ताकि वो इधर ना आ जाए, ठीक है। तो छोड़ते छोड़ते मेरे को एक्सेलरेशन देना है। इसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे जब भी हम लोग स्पीड को घटाएंगे, यानी कि स्पीड को लो करेंगे। अभी मेरा गाड़ी चल रहा है 5 नंबर गियर पे, ठीक है, इसको मेरे को दे देना है 4 नंबर गियर। तो क्या करना है, एक्सेलरेटर से पहले पा को हटा देना है, हटा दिया, हल्का सा ब्रेक किया, ठीक है, ब्रेक किया, क्लच को फुल प्रेस, 4 नंबर गियर। अभी छोड़ना नहीं है क्लच को, तभी छोड़ना है जब भी मैंने 5 से 4 नंबर आ गया, ठीक है, स्पीड भी घट गया, उसके बाद ही क्लच को धीरे धीरे छोड़ना है, अचानक क्लच को नहीं छोड़ना है। मगर ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसको जल्दी करना है, इसमें लेट नहीं करना है, ठीक है। अभी समझ लो मेरा गाड़ी चल रहा है 40 का स्पीड पे, अभी मेरे को इसको देना है 3rd गियर। 3rd गियर कितना होता है, 30 का स्पीड। अभी गाड़ी कितना पे है, 40 पे है, ठीक है। तो सबसे पहले एक्सेलरेटर से पैर को हटा देना है, हल्का सा ब्रेक करना है, हल्का सा, ठीक है, ज़्यादा नहीं। क्लच को फुल प्रेस, 3 नंबर गियर। अभी छोड़ना नहीं है, जब मेरा स्पीडोमीटर में 30 के आसपास आ गया तब मैं इसको छोड़ सकता हूँ। छोड़ दिया मैंने, क्योंकि स्पीड भी हो गया था 30 के आसपास, गियर भी 3 है, ठीक है। अभी मेरे को इसको करना है 2 नंबर गियर। 30 पे है, हल्का सा ब्रेक किया, स्पीड कम हो रहा है, क्लच को फुल प्रेस, 2 नंबर गियर। छोड़ रहा हूँ। अभी 2 नंबर गियर का स्पीड हो गया, अभी मैं क्लच को छोड़ सकता हूँ ऐसे, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को स्पीड को घटाना है। अभी मेरे को इंक्रीज करना है, 2 नंबर गियर पे हल्का सा मैं एक्सेलरेट कर रहा हूँ, ठीक है, कर रहा हूँ। कर दिया एक्सेलरेटर, हो गया 20 से ऊपर चला गया, 25 हो गया, क्लच को फुल प्रेस, 3 नंबर गियर। छोड़ रहा हूँ एक्सेलरेशन। तो ऐसे देना है, यानी कि मैं अभी स्पीड को अप कर रहा हूँ, देखो अभी मैं डिक्रीज करूँगा क्योंकि गाड़ी का स्पीड कम हो गया, इधर पे गाड़ी आ रहा है। 2 नंबर गियर पे मेरा गाड़ी है, अभी देखो 2 नंबर गियर पे एक्सेलरेटर किया, पहले रेस दिया, ठीक है, क्लच को प्रेस किया, 3 नंबर गियर। छोड़ रहा हूँ एक्सेलरेशन। क्लच छोड़ने के दौरान मेरे को एक्सेलरेटर देना पड़ेगा जब भी स्पीड को मैं अप कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ, ठीक है। देखो अभी मेरा गाड़ी चल रहा है 3 नंबर गियर पे, 30 से ऊपर चला गया, क्लच को फुल प्रेस, 4 नंबर गियर। छोड़ रहा हूँ एक्सेलरेशन दे रहा हूँ, यानी कि छोड़ते छोड़ते मेरे को एक्सेलरेशन दे देना है, ठीक है, दे के रखना है एक्सेलरेशन। ये है स्पीड इंक्रीज के टाइम पे। अभी देखो 4 नंबर गियर पे चल रहा है, हल्का सा मैंने एक्सेलरेशन किया, 40 से ऊपर स्पीड चला गया, क्लच को फुल प्रेस, 5 नंबर गियर। छोड़ रहा हूँ एक्सेलरेशन। ऐसा स्पीड के साथ आप लोगों को एक्सेलरेशन देना है, ठीक है। अभी मेरा गाड़ी चल रहा है 5 नंबर गियर पे, अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे। अभी अचानक मेरे सामने कोई आ गया है, अचानक समझ लो उधर पे कोई बिल्ली डॉगी आ चुका है, तो मेरे को क्या करना है, सबसे पहले मेरे को यहाँ पे ब्रेक एक्सेलेटर से पा हटा के मेरे को ब्रेक के ऊपर देना है, ठीक है। तो समझ लो उधर पे एक बिल्ली आ गया, मेरे को गाड़ी को रोकना है, ठीक है। ऐसा ब्रेक कर दिया, क्लच को फुल प्रेस कर दिया, 2 नंबर गियर कर दिया। अभी छोड़ना नहीं है बिल्कुल, छोड़ेंगे तो झटका देगा, ऐसा देखो झटका दिया हल्का सा। अभी छोड़ना नहीं, उसको पकड़ के रखना है, ठीक है। ऐसे मैं जा रहा हूँ, देखो मैं 3 नंबर गियर कर दिया, गाड़ी जा रहा है ऐसा, ठीक है। फिर से क्लच प्रेस, 4 नंबर गियर, क्योंकि गाड़ी का स्पीड ऑलरेडी था इसीलिए मैंने 4 नंबर उठा दिया। अभी मेरे को अचानक रोकना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ब्रेक करना पड़ेगा, क्लच को फुल प्रेस, गियर को पकड़ के रखो, 2 नंबर गियर कर दो, क्लच को पकड़ के रखो, गियर को नहीं। देखो क्लच को मैंने प्रेस करके रखा, गाड़ी पूरा रुक गया, ठीक है, एकदम रुक सा गया। अभी 1 नंबर गियर कर दिया, गाड़ी पूरा रुक गया। मैं फिर से दिखाता हूँ, मैं फिर से, अभी मेरा गाड़ी है न्यूट्रल पे, ठीक है, समझ लो 1 नंबर गियर दिया, ठीक है, गाड़ी ऑन है, मैं क्लच को छोड़ रहा हूँ, गाड़ी आगे बढ़ रहा है। देखो एक्सेलरेटर के ऊपर मेरा पैर बिल्कुल नहीं है, गाड़ी आगे बढ़ रहा है। हल्का सा मैंने एक्सेलरेट किया, रेस दिया, ठीक है, क्लच को प्रेस किया, 2 नंबर गियर किया, अभी जा रहा है फिर से गाड़ी ऐसा। अभी 2 नंबर पे मेरा गाड़ी चल रहा है, ठीक है, ऐसे जा रहा हूँ मैं, हल्का सा एक्सेलरेट किया, क्लच को फुल प्रेस किया, 3 नंबर। छोड़ रहा हूँ एक्सेलरेशन, ठीक है, यानी कि छोड़ते छोड़ते मेरे को एक्सेलरेशन दे देना है, ऐसा करना है। देखो अभी जा रहा है मेरा गाड़ी 3 नंबर गियर पे, ठीक है, इसको मेरे को अप करना है। एक्सेलरेटर दे दिया मैंने, क्लच को फुल प्रेस, 4 नंबर गियर। छोड़ रहा हूँ एक्सेलरेशन, ऐसा छोड़ते छोड़ते एक्सेलरेशन देना। अभी 4 नंबर गियर पे मेरे को इसको दे देना 2 नंबर गियर। तो क्या करना है दोस्तों, 2 नंबर गियर, यानी कि स्पीड कितना, 20, 18 के आसपास, 19, हल्का सा ब्रेक, स्पीड डाउन हो रहा है, क्लच को फुल प्रेस, 2 नंबर गियर, 4 से 2, क्लच फुल प्रेस्ड है, ठीक है, मैंने इसको छोड़ा नहीं, अभी भी नहीं, अभी छोड़ सकता हूँ, क्योंकि अभी गाड़ी का स्पीड के साथ गियर मैच हो गया है। याद रखना दोस्तों, गाड़ी का स्पीड और गियर सेम रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी देखो फिर से मैं दे दिया 3 नंबर गियर, 4 नंबर गियर, ठीक है, ऐसा दो हिस्सा याद रखना, जब भी हम लोग स्पीड को अप करते, जब भी हम लोग स्पीड को डाउन करते, गियर को अप, गियर को डाउन। गियर जब भी हम लोग अप करेंगे क्या करना पड़ेगा, क्लच को फुल प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है, उसके साथ छोटे छोटे गियर को अप करना है, उसको प्रेस करके रखना है, गियर को अप करना है, और क्लच को छोटे छोटे एक्सेलरेशन देना है। ये हो गया जब भी हम लोग स्पीड को इंक्रीज करते हैं, और जब भी हम लोग स्पीड को घटाते हैं, सबसे पहले ब्रेक करो, स्पीड को कम करो, 5 से 4, 5 से 3, 5 से 2, ठीक है, उतना स्पीड ब्रेक करो, हल्का सा ब्रेक करके रखो, हल्का हल्का करके, स्पीड कम हो गया, उसके बाद क्लच को प्रेस करके रखो और धीरे धीरे छोड़ दो जब भी स्पीड के साथ गाड़ी मैच हो गया है, बस वही है, ठीक है। अभी देखो मेरा गाड़ी चल रहा है 3 नंबर गियर पे, मेरे को यहाँ पे
अचानक गाड़ी को रोकना पड़ सकता है, समझ लो इधर पे मेरे को रोकना है उस रिक्शा के सामने, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे रोकिया, ठीक है, क्लच प्रेस दो नंबर किया, ऐसा गाड़ी रुक चुका है, ऐसा अभी छोड़ सकता हूँ, अभी छोड़ सकता हूँ, क्योंकि गाड़ी का स्पीड जो है 18 के आसपास आ गया था। क्लच को छोड़ना तभी जब गाड़ी का स्पीड के साथ ये मैच हो गया, तभी छोड़ना है क्लच को, उससे पहले नहीं छोड़ना है, ठीक है, याद रखना है। ये देखो अभी मेरा गाड़ी चला 3 नंबर गियर पे, ब्रेक किया, 1 नंबर गियर कर दिया, क्लच को मैंने फुल प्रेस करके रखा, गाड़ी रुक गया, देखो पूरा रुक गया, ठीक है, ऐसा। अभी मेरे को फिर से क्लच को मैं छोड़ूंगा, गाड़ी आगे बढ़ेगा, ये देखो ऐसा क्लच को छोड़ दिया मैंने, ठीक है, गाड़ी आगे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, हल्का सा एक्सेलरेट किया, क्लच को प्रेस किया, 2 नंबर गियर कर दिया, ठीक है, छोड़ दिया, छोड़ते छोड़ते मैंने एक्सेलरेशन दे दिया, ठीक है, छोड़ते छोड़ते एक्सेलरेशन डाला मैंने, ठीक है, देखो दे रहा हूँ क्लच को फुल प्रेस, 3 नंबर गियर, छोड़ते 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 मैं एक्सेलरेशन कर रहा हूँ, यानी कि छोड़ते छोड़ते एक्सेलरेशन देना है, ऐसे आप लोगों को ड्राइविंग करना है, ठीक है दोस्तों, ये प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। जा रहा हूँ 3 नंबर गियर पर एक्सेलरेट दिया, क्लच प्रेस 4 नंबर गियर, छोड़ते छोड़ते एक्सेलरेशन दे रहा हूँ, ये बहुत आसान है, स्पीड इंक्रीज करने के टाइम पे गाड़ी चलाना बहुत ही एकदम आसान लगता है, ठीक है। देखो ये देखो क्लच प्रेस 5 नंबर गियर, छोटे छोटे एक्सेलरेशन, 5 नंबर गियर पे मेरा गाड़ी चल रहा है, अगर इसको मेरे को अचानक 2 नंबर गियर करना पड़ेगा तो देखो क्या करना पड़ेगा, ठीक है, समझ लो सामने एक बम्पर आ चुका है, चलो देखते बम्पर आगे एक है, मैं देखता हूँ, देखो ऐसे में जा रहा हूँ, ठीक है, 5 नंबर गियर पे मेरा गाड़ी है, और कभी कभी ना छोड़ दो, ठीक है, एक्सेलेटर को छोड़ दो, देखो ऐसे जा रहा हूँ, अभी अचानक मेरे को गाड़ी को इधर रोकना पड़ेगा, तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, अचानक रोकने के लिए आप लोगों को सबसे पहले ब्रेक करना पड़ेगा, ठीक है, हल्का सा ब्रेक, क्लच को प्रेस 2 नंबर गियर, गाड़ी रुक गया, चल रहा था 50 के आसपास, एकदम 20 के आसपास आ चुका है, ठीक है, 20 के आसपास आ गया, अभी मैं इसको छोड़ सकता हूँ, क्योंकि जो भी मेरा क्लच था वो जो मेरा गियर था 2 नंबर पे था, और जो मेरा स्पीड था 20 के आसपास आ चुका था, तो इसीलिए मैं इसको छोड़ सकता था क्लच को, ठीक है, ऐसा अभी जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, 4 नंबर पे है, इसको मेरे को 5 नंबर करना है, एक्सेलरेटर दे रहा हूँ, पहले इंक्रीज करो स्पीड को, इंक्रीज के टाइम पे गियर को अप करना है, नॉर्मल चीज़ है, ठीक है, हल्का सा एक्सेलरेट रेस दे दो, दे दिया मैंने, क्लच को फुल प्रेस 5 नंबर गियर, छोड़ दिया, छोड़ते एक्सेलरेशन, छोड़ते छोड़ते एक्सेलरेशन, ठीक है, मेरा गाड़ी मेरा चल रहा है 5 नंबर गियर पे, बहुत ही आसान है दोस्तों, कुछ ऐसा कुछ मतलब कठिन नहीं है, देखो सिर्फ 2 टिप्स याद रखना, हो जाएगा काम, ठीक है, ऐसे जा रहा हूँ, 5 नंबर गियर पे चल रहा है गाड़ी, हल्का सा ब्रेक किया, देखो 3 नंबर गियर कर दिया, क्योंकि सामने अभी देखो मैंने छोड़ दिया, कब छोड़ा, स्पीड हो गया था 20 के आसपास, ठीक है, अभी देखो 2 नंबर, ये गाड़ी से बहुत ही बच के, क्योंकि ये गाड़ी जो है ना इधर उधर बहुत ज़्यादा करता है दोस्तों, ठीक है, 3 नंबर गियर, गाड़ी जब भी बहुत देर तक चलेगा ना, गाड़ी 20 स्पीड में भी 4 नंबर गियर ले लेता है, अगर रास्ता खाली है तो, गाड़ी अगर बहुत देर से रनिंग कर रहा है, रनिंग मोड पे है, अचानक 2 नंबर गियर दिए, उसके बाद तुरंत ही 4 नंबर उठा सकते हैं, अगर गाड़ी बहुत देर से चल रहा था कंटिन्यूअस, ठीक है, अभी 3 नंबर गियर पे है, क्लच को फुल प्रेस 4 नंबर गियर, छोड़ो एक्सेलरेशन, छोड़ते छोड़ते मेरे को एक्सेलरेशन दे देना है, बस जा रहा है गाड़ी, ठीक है, 5 नंबर गियर, छोड़ते 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 एक्सेलरेशन, ऐसा, ठीक है, देखो, और तेल को यानी कि बचाने का जो तकनीक है वो है कुछ नहीं, आप लोगों को क्लच को दबाना नहीं है, ठीक है, उसको छोड़ देना है ड्राइविंग के दौरान, और एक्सेलेटर को अचानक एक्सेलेटर रेस नहीं देना है, ठीक है, रिव नहीं करना है, धीरे धीरे चला, ऐसा छोड़ दो एक्सेलेटर को, गाड़ी अपने आप जा रहा है, माइलेज भी बहुत अच्छा देगा दोस्तों, ये टेक्निक होता है दोस्तों, ठीक है, इसको फॉलो करो, आप लोग बहुत ही अच्छे से गाड़ी का माइलेज को मेंटेन कर पाओगे, और हाथ भी बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, अभी 5 नंबर पर मेरा गाड़ी चल रहा है, ऐसा, ठीक है, ऐसा मैं जा रहा हूँ, देखो देखो साइड मांग रहा है ये, हल्का सा ब्रेक कर दिया, ऐसा मैंने हल्का सा ब्रेक किया, ज़्यादा नहीं, सिर्फ हल्का सा टच किया मैंने, ज़्यादा प्रेस नहीं किया, ओके, इसको याद रखना, देखो मैं एक्सेलेट कर रहा हूँ हल्का हल्का, गाड़ी ऐसा जा रहा है, अभी अचानक समझ लो वो उधर जाके मेरे को गाड़ी को रोकना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ब्रेक कर दो हल्का सा, ठीक है, क्लच को फुल प्रेस करके रखो 2 नंबर गियर, गाड़ी रुक गया, क्लच फुल प्रेस्ड है, गाड़ी पूरा रुक चुका है, इसको अभी मैं बंद कर सकता हूँ, ठीक है, गाड़ी हो गया बंद, अभी मेरा गाड़ी बंद है, अभी मेरे को इसको स्टार्ट करना है, क्लच को फुल प्रेस, गियर 1 नंबर पे है, गाड़ी को स्टार्ट हो गया स्टार्ट, अभी मैं यहाँ पे क्लच को छोड़ूंगा और गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, ये देखो आगे बढ़ रहा है, हल्का सा मैंने एक्सेलरेट किया, गाड़ी चल रहा था इसलिए एक्सेलरेशन का दरकार पड़ेगा, क्लच को फुल प्रेस 2 नंबर गियर, ठीक है, छोड़ रहा हूँ एक्सेलरेशन, ऐसा आप लोग को चलाना है, ठीक है,
तीन नंबर गियर छोड़ रहा हूँ एक्सेलरेशन। ऐसे आप लोगों को गियर को कंट्रोल करना है क्लच के साथ, ठीक है। चार नंबर गियर मैंने क्या बोला, गाड़ी जब भी बहुत देर तक चलेगा कम स्पीड में भी हाई गियर ले लेता है रास्ता अगर खाली है तो, ठीक है। इसीलिए जब भी रास्ता खाली मिलेगा गियर को अप करो, उसके साथ जो भी आपका क्लच है उसको आराम से छोड़ो, एकदम मक्खन की तरह गाड़ी जाएगा दोस्तों। बस ये सब टेक्निक आप लोग माथे पे रखना है, बहुत ही अच्छे से गाड़ी चलेगा स्मूथली मक्खन की तरह, कोई दिक्कत नहीं होगा। और फिर भी कोई डाउट हो रहा है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए और एक वीडियो बना के आ जाऊँगा, ठीक है। तो चलो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे बहुत ही जल्द, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।